माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जिन्होंने 31 जनवरी 2019 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यंत आभारी हैं। आप पिछले फिर से बोलेंगे अगर यहाँ पे प्रश्न जी माइक पे आवाज आएगी। मैं इस चीज से बोलने की इजाजत चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करूंगा कि एकाएक मुझे वायरल अटैक हो गया जिसके कारण बोलने की कुछ कठिनाई हो सकती है और अगर कठिनाई आवे तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के भी बोलना चाहूं तो आप इजाजत देंगे। चोर है, चोर है। इतने सीनियर मेंबर हैं। दिस इज नॉट प्रॉपर, प्लीज आस्क हर टू गो। व्हाट इज दिस? सदन की कुछ मर्यादा होती है कि नहीं होती है? क्या है ये, मनमर्जी करोगे क्या? सब एक महीना होके नहीं समझती? अध्यक्ष महोदय, ये 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में हम खड़े हैं और इस अंतिम सत्र के बाद जब हम सब अपने क्षेत्र में लौटेंगे तो लोकतांत्रिक महाभारत का समर प्रारंभ होगा। देश के अंदर इस बार जो महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्मयुद्ध, और दोनों पक्ष में सेनाएं बटी थी, उसी तरह इस बार हिंदुस्तान के इस आम चुनाव में दोनों तरफ सेनाएं बट रही हैं, धर्म का अधर्म के बीच सेनाएं बट रही है। एक तरफ जब राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण को प्रारंभ करते हैं तो वो शुरू ही करते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों में शोषण की राजनीति के विरुद्ध जन चेतना की मशाल जलाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समानता पर आधारित समाज के प्रति आस्था स्पष्ट दिखाई देती है। प्रारंभ में ही ऐसा कहा गया कि गांधी, अंबेडकर और लोहिया के सपनों को साकार करने का लक्ष्य इस सरकार का है। गांधी भी उनकी दृष्टि थी कि समाज के सबसे जो कमजोर है उसको बजट का अधिक से अधिक हिस्सा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम्हारे बजट की सफलता को मैं इस दृष्टि से देखूंगा कि तुम्हारे बजट की राशि सबसे निर्धन निर्बल जो है उसके पास में कितना जा रहा है। अंबेडकर जी ने यही देखा था कि सामाजिक क्रांति हो और समाज के सबसे निर्धन निर्बल कमजोर वर्ग के हैं उन्हें भी समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। डॉक्टर लोहिया ने समानता की बात की थी, समानता की सब में समानता आए, ऊंच नीच का भेद न हो, अमीर गरीब का भेद न हो और सब बराबर होके समानता हो और पिछड़े वर्गों के मसीहा के रूप में उन्होंने इस देश में क्रांति की थी। एक तरफ हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दूसरे तरफ दलितों के उद्धारक अम्बेडकर, तीसरे तरफ पिछड़े वर्गों के मसीहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए इस बजट को प्रारंभ किया गया है। इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इन तीन महात्माओं को याद किया है। लोहिया जी की बात को इन्होंने कहा है तो मैं लोहिया जी के समानता की बात मैं कुछ आपको उद्धृत करना चाहता हूँ।
लोकसभा में 16 मार्च 1965 को बहस करते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो, ये है महत्वपूर्ण जो हिंदुस्तान के सभी गांव गरीब किसान मजदूरों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी और एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब उसके बाद आएगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता। डॉक्टर लोहिया ने आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी, इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर लोहिया तो समाजवादी थे, लेकिन समाजवादी होने के नाते फिर किस धार्मिक बराबरी की बात उन्होंने की थी? देश के अंदर अगर आर्थिक बराबरी को गैर बराबरी है, उसमें बराबरी लाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो आर्थिक बराबरी के लिए है। आज आर्थिक दृष्टिकोण से जो गरीब निर्धन निर्बल नीचे है, उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार की योजनाएं चलती है। क्या ये जनधन योजना निर्धन निर्बल गरीबों को ऊपर उठाने के लिए नहीं है? आज हिंदुस्तान के अंदर 34 करोड़ जनधन खाता खुले हैं और उसमें लगभग 84-85 हजार करोड़ रुपया गांव के गरीब मजदूर किसानों ने जमा किया है। आज गांव की एक गरीबनी माता है, जिनके पास में 10-5 रुपए नहीं थे, उन्होंने भी जीरो बैलेंस पर अपने खाता को बैंक में खोला है। और दुनिया के अंदर जितने खाता खुले हैं बैंक में, उसमें से लगभग 55% खाता केवल हिंदुस्तान के लोगों ने खोला है। आज भारत की शोर बढ़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बचत करें, उस बचत से हिंदुस्तान का कल्याण हो, हिंदुस्तान के कोष में पैसा जाए, जिससे गांव गरीब किसानों के लिए काम किया जाए। इसी के आर्थिक बराबरी को कम करने के लिए ही, मिटाने के लिए ही ये सुलभ शौचालय जो बन रहे हैं, घर घर में जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, किस लिए बनाए जा रहे हैं? जमीनों के घर में एक घर में 5-5, 7-7 शौचालय होते हैं और जितना बड़ा उनका बाथरूम होता है अध्यक्ष महोदय, उतना बड़ा उन गरीबों का घर भी नहीं होता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निर्धन निर्बल गरीब, जहाँ की गरीबनी माताएं शौच के लिए कष्ट उठाती रहती थी, उनके लिए शौच बनाया है। और आज हिंदुस्तान के अंदर 98% घरों में जो शौच बना है, इससे किसका लाभ है? एक तरफ आर्थिक गैर बराबरी को मिटाने का काम है, तो दूसरे तरफ सामाजिक गैर बराबरी को भी मिटाने का काम है। इन योजनाओं के कारण हिंदुस्तान के जो बड़े लोग हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, संपन्न सामंत हैं, उनके कलेजे में आग लगती है कि गांव की इन गरीब दलित पिछड़े गरीबों की महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, उसी समय उनके साथ ज्यादा छेड़खानी होती थी। उन बड़े लोगों के मन में इस बात का आग लगी है कि नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान में उन गरीबों के घर में शौचालय बना के ये समृद्ध और सामंत लोगों के बराबरी में उनको खड़ा करना चाह रहे हैं, इसे उनके कलेजे में आग लग रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गांव में हमारे गरीब भाई हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से जो घर बनाए जा रहे हैं, वो किस लिए बनाए जा रहे हैं? हम लोग जिस समय समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया के आंदोलन में नारा लगाते थे, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, आज नरेंद्र मोदी हर हिंदुस्तान को रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस ओर एक कदम को उठा रहे हैं। रोटी भी दे रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर रोटी मिलेगी तब जब कृषि की उन्नति होगी, तब कृषि की उन्नति होगी तब जब खेत में पानी जाएगा, तब दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया कहते थे, हर खेत में पानी हो, हर खेत हाथ को काम हो, जब खेत में पानी जाएगा तो खेतों में हरियाली आएगी, तब उनके चेहरे पर लाली आएगी, उनके घर में खुशहाली आएगी। और ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जो हर खेत में पानी पहुंचाने का काम शुरू हुआ है, जिससे गांव के निर्धन गरीब उनमें खुशहाली उन्नति होगी, उनके उनमें खुशहाली आएगी, ये बड़े लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है अध्यक्ष महोदय। आज हिंदुस्तान में
गांव के अंदर जो किसान है, प्रधानमंत्री जी ने अभी सरकार ने घोषणा की है बजट में, किसानों को, हर किसानों को जो लघु सीमांत किसान है, 5 एकड़ तक जमीन वाले किसान हैं, सबको 6,000 रुपया साल में दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत लोग ऐसे हैं, बड़े लोग, जो उपहास करते हैं। कोई कहते हैं 17 रुपया रोज मिलेगा। दिल्ली के NCR में बसने वाले किसान, जिनके लिए 6,000 रुपया कोई कीमत नहीं है, ये TV वाले ऐसे किसानों के मुंह में वो भोपा लगा के और उनसे पूछते हैं कि 6,000 रुपया से क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली के NCR में हैं, उनकी सारी जमीन चली गई है, कारखाने बन गए। मानेसर के किसान से पूछा गया, मानेसर गांव में मेरी रिश्तेदारी है, वहां किसी के पास में खेती की जमीन नहीं, सभी कारखाने में चले गए। थोड़ी बहुत जमीन है, उनके लिए 6,000 रुपया कोई कीमत है क्या? वो 10,000-20,000 रुपया रोज खर्च करते हैं। लेकिन एक तरफ मैं जिस बिहार से आता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, या कहीं भी हिंदुस्तान के आसाम में और बंगाल में लोग हैं, या उड़ीसा में लोग हैं, ऐसे गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों के लिए 6,000 कीमत रखता है। उनके घर में खुशहाली आ रही है। और जब ऐसे गरीब किसान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 6,000 रुपया हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, हमारे लिए इसकी कीमत है, हमारे घर में खुशहाली आएगी। ये 6,000 रुपया जो जिन गरीब किसानों को मिल रहा है, मेरे गांव में किसान हैं, उनके हर के चेहरे पर इस बात से खुशी आई कि हर आदमी को 100% किसानों को 6,000 रुपया उनके खाते में जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो ये खाते में पैसे जा रहे हैं, इन खाते में पैसा जाने के कारण बीच में जो बिचौलिया दलाल हैं, उन दलालों का काम बंद हो गया है। और ऐसे जितने दलाल हैं अध्यक्ष महोदय, वो गांव से लेके और दिल्ली तक, ऐसे जितने दलाल हैं वो एक तरफ इकट्ठा होकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं कि जब ये नरेंद्र मोदी डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो सभी पैसा डायरेक्ट चला जाएगा, तो बीच में दलाली कहाँ से खाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, चार देश के अंदर जो मैंने कहा कि दो पक्षों में सेनाएं विभक्त हो रही है, धर्म धर्म का युद्ध होने वाला है। मैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इनके धर्म की बात नहीं करता। धर्म का मतलब है भारत कोई गरीबी से मुक्त हो, हर घर में खुशहाली हो, हर बच्चे को पढ़ाई हो, हर बीमार को दवाई हो। आज जो भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत उन गरीबों के लिए 5 लाख रुपया के दवा की जो व्यवस्था की है, 10 लाख लोग आज तक उसे लाभ उठा चुके हैं। ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जो बड़े बड़े लोगों को अखरती है। अध्यक्ष महोदय, क्यों ये दोनों तरफ बच रहे हैं? 3 लाख ऐसे फर्जी कंपनियों को सरकार ने पकड़ा है, जो पैसा को इधर से उधर करते थे, इसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको, कहीं का ऊंट, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा, चोरी का, बेईमानी का, शैतानी का, लूट का पैसा लाते थे और आपस में मिल के उसको खाते में डाल के पताते थे। सरकार ने उसको पकड़ा है। ऐसे जो 3 लाख लोग पकड़े गए हैं, उनके साथ कौन जुड़े थे? पैसा वाले जुड़े थे, धन वाले जुड़े थे, बेईमान जुड़े थे, देश के लुटेरा जुड़े थे, समाज के शोषक जुड़े थे। इन सबों को आज जब सरकार पकड़ रही है, ऐसे 3 लाख लोग जब पकड़े गए हैं, तो उन सब से जुड़े हुए हिंदुस्तान के अंदर कोई 50-60 लाख लोग बनते हैं, वो सब इकट्ठा हो गए हैं और वो सब हल्ला करते हैं नरेंद्र मोदी को हटाओ। कितनी विडंबना है अध्यक्ष महोदय कि नरेंद्र मोदी देश के सारे चोर, बेईमान, लुटेरा, देश के देशद्रोही इसको पकड़ रहे हैं और दूसरे तरफ वो सारे लुटेरे, बेईमान, आतंकवादी, उग्रवादी, ये सब इकट्ठा होके नारा लगाते हैं चौकीदार चोर है। मान लीजिए चोर करे चोर, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, कि उन सबका जो नारा है वो देश को, देश के लोगों को गुमराह करने वाला है। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर आवश्यकता किस बात की है, भूखे को रोटी मिले, बिना कपड़े वाले को वस्त्र मिले, बिना मकान वाले को मकान मिले,
गरीब गरीब के घर में शौचालय बने, इसलिए मैंने प्रार्थना की है। आज हिंदुस्तान में डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था कि आर्थिक बराबरी चाहिए, सामाजिक बराबरी आएगी कब, जब समाज में ऊंच नीच का भेद मिटेगा तब। ऊंच नीच का भेद मिटेगा कब, जब नीचे वाले को ऊपर उठाया जाएगा तब। नीचे वाले ऊपर उठेंगे, ऊपर वाले थोड़ा नीचे आएंगे तो बीच में संतुलन कायम कर बराबर किया जाएगा। नीचे वाले को ऊपर उठाने के लिए ये योजनाएं चल रही हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये जो योजनाएं चल रही हैं जिससे गरीबों के चेहरे पर खुशहाली आ रही है, उनके घर में खुशहाली आ रही है, उनको क्या पता जो 100 कोटी के बंगले में रहते हैं, उनको क्या पता 100 कोटी के बंगले में रहते हैं, उनको बिना मकान वाले को क्या पता। प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको जो मकान मिल रहा है, उनको उनके समझ लीजिए। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मैं 1977 से संसद का सदस्य रहा, आज तक मैंने न कभी असंसदीय शब्द का उपयोग किया। आज भी मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर दो पक्षी सेनाएं आज चुनाव के मैदान में खड़ी है, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म के बीच की सेनाएं खड़ी हुई थी। उस क्रम में मैंने कहा कि एक तरफ हिंदुस्तान में जो ये 3 लाख फर्जी कंपनी वाले पकड़े गए, ये जो 22,000 सीए इधर से उधर पैसा करते थे, ये जो नोटबंदी के समय नोट की चोरी करने वाले पकड़े गए, ऐसे जो लोग पकड़े गए वो सब आज इकट्ठा होकर के एक जमात बना रहे हैं, आतंकवादी उग्रवादी सब जमात बना रहे हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने देश को बर्बाद किया, आज वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है। मैं इस सदन के नारा को थोड़े किसी को कहा, माननीय सदस्य हैं, उनकी अपनी मर्यादा है, उनके अपने शिष्टाचार हैं और उनके मर्यादा और शिष्टाचार यही कहता है, तो मैं उसमें कौन हूँ जो इनको रोकने वाला, रोकने के लिए आप स्वयं काफी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक बराबरी की बात कर रहा था। सामाजिक बराबरी का मतलब क्या होता है? जो नीचे निर्बल है, सामाजिक बराबरी की बात श्री कृष्ण ने किया था, उन्होंने एक मालिन जो कुबड़ी थी कुब्जा, उसको उन्होंने उठाकर सुंदर बनाया, उन्होंने सामाजिक बराबरी की बात की थी। एक जो ऋषि थे, आप जानते हैं, शास्त्र को ज्ञान है आपके पास कि सुपन ऋषि, जिनको उस समय के समाज में अछूत कहा जाता था, जब तक युधिष्ठिर के राजस्व जग में सुपन ऋषि को भोजन करा के पूजित नहीं किए, तब तक यज्ञ को पूर्ण नहीं माना था। आज नरेंद्र मोदी जब सामाजिक सम्मान इसी को कहते हैं ना, आज जो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सम्मान लोगों को दिया गया, राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, अगर भारत रत्न नानाजी देशमुख को, हजारिका को और प्रणब मुखर्जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी को दिया गया, अध्यक्ष महोदय विनम्र प्रार्थना करता हूँ, भारत रत्न होकर प्रणब मुखर्जी किसी टीवी पर किसी कंपनी का माल बेचने नहीं जाएंगे। आज तो भारत रत्न ऐसे हैं जो टीवी पर कंपनी का माल बेचते हैं, तेल बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, कितना उस पद का अपमान करते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने उचित पात्र, उचित व्यक्ति, पूजनीय को पूज मानने में जो बाधा क्रम है, यही मनुष्य का अहंकार है, यही मनुष्य का भ्रम है। आज इस भ्रम से जो लोग भ्रमित हैं, उनको अपनी आत्मा से सोचना चाहिए। कहाँ वो देते हैं पद्मश्री और श्री, वह पद्मश्री और पद्मभूषण का सम्मान देते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ गांव में रहने वाला किसान का बेटा, हल चलाने वाला, भैंस चलाने वाला का बेटा हुकुम देव नारायण यादव को अगर पद्म भूषण देते हैं,
तो दूसरे तरफ बिहार के नरकटियागंज में रामनगर से झाड़ू लगाने वाली, जमीन पर सोने वाली, सूखी रोटी खाने वाली, अपने बच्चे को गोद में लेके सोती, उनको भर्तन कपड़ा नहीं दे पाती, ऐसे भगरथी देवी को जो पद्मश्री का सम्मान मिला है, ये क्या बताता है कि नरेंद्र मोदी की दृष्टि है कि प्रतिभा, योग्यता, क्षमता जिनके पास में हो, अगर वो झोपड़ी में प्रतिभा है तो उस प्रतिभा की पूजा करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या पूजी है साहब? हमारे पास तो अपने पसीना और पुरुषार्थ की पूजी है। न मेरा बाप राजा, न मेरी महारानी, न मेरा नाना राजा, न मेरी नानी राजी, न मेरा दादा राजा, न मेरी दादी राजी। आज जो राजनीति में है तो ये अखबार वाले और ये टीवी फंक्शन वाले, बायोस्कोप वाले, ये दिखाते हैं कि कौन राज आया है राजनीति में, जिसके ना जो नाना दादा के ऐसे बड़े लोगों के घर से हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि महल से अगर प्रतिभा की पूजा होती रही है तो आज निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, गांव के गरीब के घर में भी अगर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, पसीना है, परिश्रम है, तो आज उनकी भी पूजा की जाए। अगर गांव के निर्धन, निर्बल, गरीबों की पूजा कर रहे हैं तो क्या अनर्थ, अन्याय कर रहे हैं? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कहाँ तीजन बाई आदिवासी लोकगीत में महाभारत गाने वाली, आज उसको अगर पद्म विभूषण दिया गया है तो क्या अनर्थ हुआ है? आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हीरालाल यादव जो बिरहा गाते हैं लोकगीत, उनको सम्मानित किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने दिनों तक हिंदुस्तान में राज रहा उस सरकार के समर्थन में आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी रहे और दूसरे लोग भी रहे, क्या कभी उनकी दृष्टि हीरालाल यादव जैसे एक साधारण गरीब अहिड़ के ऊपर में गई थी क्या? आज नरेंद्र मोदी जी एक लोकगीत गाने वाले को उठा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, लोकभूषा, लोकभूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक संस्कृति, लोक कला, जब इसको पूजा जाएगा तब असली लोकतंत्र आएगा। आज नरेंद्र मोदी जी लोक संस्कृति को भी पूज रहे हैं, लोक गायक जो बिरहा गाने वाले हैं हीरालाल यादव, वो जो बिरहा सुने होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उनको कितना आनंद आता है वही जानेंगे। आज तीजन बाई वहाँ आदिवासियों के बीच में से निकल करके आज वो महाभारत गाती है, उसका आनंद उस समाज को मिलता होगा। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पराई। ये महल में रहने वाले लोग हमारी पीड़ा को क्या जानेंगे, हमारे दुख को क्या जानेंगे, मेरी माँ को क्या कष्ट होगा उसको क्या जानेंगे? नरेंद्र मोदी इसलिए जानते हैं, एक मजदूरी ने गरीब माँ के पेट से पैदा लिया, पिछड़े समाज में पैदा लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को कोट कोट अभिनंदन करके धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे पिछड़े में जन्म लेने वाले गरीबनी माँ के बेटा को नेता बना के एक नंबर कुर्सी पर सम्मानित किया है। पहले क्यों नहीं हुआ? हमको बुलाओ, हमको नाना प्रकार का लोभ दिखाओ, हम फूल लेके आएंगे, तेरे गले में पहनाएंगे, हम पीछे पीछे रह जाएंगे, तेरे जूता चप्पल साफ करते रहेंगे, तू कुर्सी पर बैठ और सिंहासन पर मुकुट पहन के राज चला। अब नरेंद्र मोदी के राज में जमाना बदला है, इसलिए मैं इस सदन से खड़ा होके हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब और निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलितों, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज लोकसभा टीवी पर मेरी बात सुन रहे होंगे, सुनो, ये जंग है, ये झगड़ा महाभारत का है। एक तरफ झोपड़ी और एक तरफ महल है, ये झोपड़ी और महल का टक्कर है, एक तरफ लुटेरा है और एक तरफ नरेंद्र मोदी फक्कर है। इसलिए दो पंक्ति में बच जाओ, सीधी लड़ाई होने दो। और मैं बड़े लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने कुरुसभा में जाके सबको सावधान किया था, महाभारत में गीता का संदेश सुनाया था, अध्यक्ष महोदय आज तो राजनीति में ऐसे नेता है जिन्होंने गीता का ये श्लोक पढ़ा, न गीता का ज्ञान देखा, न गीता के मर्म को समझा, लेकिन वो बाहर वो अपने अखबार और टीवी के मार्फत से श्री नरेंद्र मोदी को गीता पढ़ने का उपदेश देते हैं। अरे नरेंद्र मोदी गीता क्या पढ़ेंगे,
नरेंद्र मोदी 20 साल 25 साल संघ के प्रचारक के हैसियत से गांव गांव भटके, जंगल में भटके, आदिवासियों के गरीबों निर्धन निर्मल के बीच में भटके, उन्होंने गीता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है। जिसके पास में है नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के इन गरीबों से कहना चाहता हूँ, तुम अपने जाति के नेता के पीछे बहुत डर रहे हो। तुम्हारे जाति के नेता आए, तुमको भटकाए, जात के नाम पर साथ लिए, खुद किला पर चढ़ गए। उन्होंने कहा जात के लोगों आओ मेरे पीछे लग जाओ, अपने बेटे को मरवाओ, मैं तेरे बेटे के लाश पर चढ़ूंगा, लाल किला पर झंडा लहराऊंगा। वो जमाना चला गया। इसलिए मैं उन गरीबों के बच्चों से कहना चाहता हूँ, पिछड़े दलितों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने जाति के नेता के पीछे दौड़ना छोड़ो, उनके मोह को छोड़ो, उनके ममता को छोड़ो, और एक बार जाति तोड़ो, बंधन छोड़ो, गले गले लगो, हाथ में हाथ मिलाओ, सब मिल करके गाओ, ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, हम हैं भारत माता के संतान, सब मिल करके आएंगे, कमल पर मुहर लगाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के लाल किला पर चढ़ाएंगे। जिस दिन यह सपना पूरा होगा, हिंदुस्तान का कायाकल्प होगा। इसलिए मैं अंत में मैं हिंदुस्तान के किसान पिछले दलितों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझो। मैं जीवन के 58 राजनीति के 58 बरस तक केवल इन गरीबों के लिए लड़ा, पिछड़ों के लिए लड़ा, दलितों के लिए लड़ा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पीड़ित हूँ, मैं ऊंची जातियों के अनादर से अपमान से कभी पीड़ित नहीं हुआ। मुझे अगर कभी पीड़ित होना पड़ा तो अपने जाति के लोगों से होना पड़ा। 1991 में मैं चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में दरभंगा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। मैं उस समय भारत सरकार का मंत्री था। उस समय उग्रवादी, आतंकवादी, जातवादी, उदंडवादी, ये जितने मेरे जाति के ही लोग थे, एक नेता के पीछे पागल थे। उन्होंने मुझ पर अध्यक्ष जी जला हुआ मोबिल का एक बाल्टी पंपिंग सेट में से डाल दिया, मिट्टी तेल डाल दिया, मेरे देह में आग लगाने लगे। वहाँ के लोगों ने आकर मुझे बचाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आओ गरीबों, जात से नाता छोड़ो, मोह को छोड़ो, तुम एक साथ इकट्ठे हो जाओ। ये लड़ाई है, ये महाभारत का युद्ध है। एक तरफ गरीब, एक तरफ अमीर, एक तरफ कमेरा, एक तरफ लुटेरा, एक तरफ महल, एक तरफ झोंकड़ी। अध्यक्ष महोदय, निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए और तूफान की। एक तरफ निर्बल निर्धन लोग खड़े हैं, आ जाओ। अंत में प्रार्थना करूंगा, समाज को समरस करने के लिए ऊंची जाति के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिस दिन ऊंची जाति के गरीब अपने जाति के ऊंचे धनवान और अमीर से नाता तोड़ के और पिछड़े दलित के गरीबों से अपना नाता जोड़ लेंगे, उस दिन असली हिंदुस्तान का निर्माण होगा। मुझे खुशी है कि उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये ऊंची जाति के गरीब का भी अपने जात के संबंधवादी, अपने जात के बड़े लोगों से, भ्रष्टाचारियों से नाता टूटेगा, और फिर वो आगे आके इन गरीबों, दलितों, पिछड़े लोग हैं, इनके गरीबों का नेतृत्व करेगा। वाणी को विराम देते हुए डॉक्टर लोहिया के उस वाणी से आह्वान करता हूँ। वो हमेशा कहते थे ऊंची जाति के नौजवानों में नेतृत्व देने की क्षमता है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। तुम मनाता छोड़ो अपने अमीरों से, आगे आओ और समाज के पिछड़े दलितों का नेतृत्व करो, नए भारत का निर्माण करो। तुम खाद बन जाओ, लेकिन इनको गुलाब के खिल के जैसे फूलने दो, खिलने दो। नरेंद्र मोदी उस ओर जा रहे हैं। आखिरी में कहूंगा, ये बेईमान शैतान का ये संपत्ति जब्त हो रही है, बेनामी संपत्ति। मैं एक शब्द सुना देता हूँ। 1960 में कांचन मुक्ति पर प्रवचन देते हुए साथियों के बीच लोहिया ने कहा था, गौर से सुनिएगा सब, दुनिया के नौजवानों सुनो, गरीबों सुनो, अपराधियों के लिए उचित दंड की व्यवस्था रहनी चाहिए, और विशेष रूप से अवैधानिक संपत्तियों को छीन लेने की। किंतु ऐसे कानून बनाने से पहले यह आवश्यक है कि उसके समर्थन में शक्तिशाली जनमत तैयार हो।
डॉक्टर लोहिया ने साथ में जिसको कहा था, आज नरेंद्र मोदी बेनामी संपत्ति जब्त कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि विशाल जनमत उसके साथ है। मैं उन गरीबों को, उन मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीबनी माताओं को कहता हूँ, मेरी बात सुनो। ये गरीबनी माँ जो तुम्हारे कोख की लाज किया है, तुम्हारे दूध की पूजा किया है, आज आवश्यकता है कि तेरे कोख से कितने संतान है, उन सबों को कहो उठो जागो, इस युद्ध में गरीब एक तरफ होके नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाओ और एक बार हिंदुस्तान में आर पार की लड़ाई होने दो, फिर देखेंगे किसके सीने में कितनी ताकत है। ये 2019 के चुनाव में हर मतदान केंद्र पर हम लड़ लेंगे और फिर अपना विजय पताका फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।